शराब सरकार ने बढ़ावा देगी, इस तरह की सोच है क्या कुछ रोजगार को लेकर गाँव में ही हिमाचल रोजगार कर सके, इस दिशा में आगे बढ़े। देखिए, पहले बजट में हमने हिमाचल के पर्यावरण, हिमाचल की भौगोलिक स्थिति, हिमाचल की जलवायु को देखते हुए बजट का प्रावधान किया गया था। 40 वर्षों में पहली बार ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें हिमाचल आने वाले 5 सालों में किस दिशा में आगे बढ़ेगा उसकी प्रस्तुति मैंने पिछले बजट में की थी। और उस दृष्टि से जब हमने कार्य करना शुरू किया, मुझे खुशी है कि हमने पहला ग्रीन कॉरिडोर जो कीर्तपुर से लेकर केलोंग तक, उसमें चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित कर दिया है। अब दूसरे बजट में हमारी प्राथमिकता में किसान है और हम चाहते हैं कि हिमाचल के 90% लोग गांव में रहते हैं, कृषि आधारित कार्य करते हैं, उनको देखने की जरूरत है। पिछले 40 वर्षों से 50 वर्षों से कृषि क्षेत्र में हमारा काम सिर्फ पौधे लगाना और पौधे उत्पादन करना और सब्सिडी देना रह गया। हम चाहते हैं कि किसान के हाथ में सीधे तौर पर पैसा कैसे बढ़े और किसान के हाथ में कौन सी ऐसी के हित में कौन सी ऐसी योजना लाई जाए जिससे किसान के हाथ में पैसा आए। मेरी सरकार उस दृष्टि से कार्य कर रही है और हम लोग सभी लोग मिलकर किसान की आर्थिकी को मजबूत करना चाहते हैं और मेरा फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। गांव के लोगों की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में और आप देखेंगे किसानों से संबंधित कई योजना आएगी। किस तरह की इंतजाम किए गए हैं कुछ जगह पर? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि भगवान ने कल हमने प्रार्थना की थी सुन लिया है और अच्छी बात है। बागवान किसान मायूस हो चुके थे, जो दिन रात मेहनत करता है, खेती में पसीना बहाता है, भगवान ने उनकी सुनी है। और मैं नवाड़ का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इन योजनाओं में हमें धन उपलब्ध करवाने का वादा किया है। और नवाड़ वैसे भी पिछले कई सालों से हमें इन योजनाओं के लिए धन उपलब्ध करवाता रहा है। मैं स्पेसिफिक तौर पर नवाड़ का हिमाचल प्रदेश के जो प्रबंधक है पठानिया जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा।